सी की आज फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष आशीष दे। मैं और ग्लोरिया आपसे कुछ बातचीत करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे बाइबल की, रूथ के किताब उसका तीसरा अध्याय की हम बात करेंगे। ग्लोरिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब रूथ अपनी सास के पास गई आई थी और उसने उसे पूछा, हे बेटी क्या हुआ, और तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने बताया, पर किस तरीके से उसने पूछा होगा आप बता सकते हैं क्या उसकी प्रतिक्रिया होगी? उसने खुश होकर के बताया होगा रूथ ने अपनी सास को, और उसकी सास को भी पूरी रात यही चिंता रही होगी कि मैंने भेज तो दिया है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। और जब वो सुबह आई तो रूथ उसके पास आकर उसने पूछा, उसकी सास ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटी, है ना। तो उसने खुश होकर तो बताया होगा, लेकिन उसमें इतनी खुशी नहीं थी क्योंकि बोझ ने जो से कहा ना कि एक और कुटुंबी है छुड़ाने। ये तो थोड़ा सा डाउट हो गया कि तो इसलिए थोड़ा ना खुशी कम हो गई, उसको देखा भी नहीं था उसने। हाँ, क्योंकि रूथ की ना जो खुशी है ना थोड़ी कम हो गई, हो सकता है कम हो गई, कम हुई, चिंता का विषय बना, चिंता का विषय बन गया ना, क्योंकि अब उस इसके जो बीच में है दो लोग हो गए, दो कुटुंबी हो गए, दो कुटुंबी हो गए, है ना। एक तो बोझ हो गया है और एक और है, लेकिन बोझ का अधिकार अभी नहीं है, जो दूसरा कुटुंबी है उसी को अधिकार है उसको छुड़ाने का। परंतु उसके मन में ये भी है कि मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि पर उसकी सास तो इच्छुक है, इस बात के लिए उत्सुक है कि एक खुशखबरी वो लेकर आए। हाँ, उसकी सास तो उत्सुक है इस बात के लिए कि वो खुशखबरी लेकर के आए, लेकिन जो भी कुछ हुआ है उसने आकर के सब उसको वहां पर बता दिया। लेकिन फिर भी उसकी सास को ये है कि कोई बात नहीं है ना, फिर भी उसकी सास को कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उसको यही है कि कहीं ना कहीं बोझ का ही होगा, अच्छा जो भी होगा बोझ का ही अच्छा होगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि परमेश्वर की योजना इन दोनों के लिए ही बनी हुई। लेकिन हम इंसान उस बात को नहीं जानते, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, ये कार्य होगा कि नहीं। कई बार हम कोई चीज जैसे खरीदते हैं, हमारे पास हो सकता है कि कम पैसे हो और दूसरे के पास ज्यादा पैसे हो, और ये लगेगा हमें कि यही खरीदेगा बस, मेरे पास तो पैसे नहीं है, यही खरीदेगा बस, मेरे पास तो पैसे नहीं है। वैसे ही जैसे कि बोझ के अलावा एक और अधिकार उसकी भूमि को छुड़ाने का और रूथ को भी साथ में रखने ये का। ये बात तो आपकी ग्लोरी सही है कि पैसे वाला उस भूमि को छुड़ा सकता है, जो दूसरा छुड़ाने वाला उसको ये नहीं पता रूथ भी छुड़ानी होगी। नहीं, वो पैसा खर्च सकता है पर वो रूथ को शायद ना ले, ना ले। ये तो बात की बात, बात है की बात। ये तो बात की बात है, पर उसकी सास उत्सुक थी, उसकी सास उत्सुक थी। और जैसे आपने कहा ये बात तो मैंने सोचा नहीं था कि सचमुच में उसकी खुशी में थोड़ा सा ये उदासीपन तो आया होगा, और बहुत के जीवन में भी आया होगा कि यार अगर वो छुड़ाने के लिए तैयार हो गया, अगर उसको भी रख लिया, और इसलिए शायद उसने कहा कि ये बात कोई जानने ना पाए, भोर तक लेटी रहे कि अकेली ना जाए रात के समय में, और बोर्ड तक लेटी रहे, और ऐसे समय में निकल जाए तब लोग है ना आना जाना शुरू करें कि अकेलापन खेत में से। और उसने उसको क्या किया, छह नपुए चादर में डाल करके दे दिया ताकि लोगों को शक भी ना हो, शक भी ना हो कि ये तो मछली लेके जा रही, कहीं से कुछ लेकर आई होगी, इसके पास अनाज या शायद रात भर कहीं काम किया होगा, क्या होगा खेत में। ये बात सही है, छह नपुए नाप कर उसने दिए, उसने दिए इसको। ग्लोरी एक बात और पूछना चाहूंगा कि बाइबल में कहीं छह नंबर का कहीं पर जिक्र आया है? हाँ जी आया है। कहाँ पे? यूहन्ना की किताब में आया है, जहाँ पे काना की शादी में, काना की शादी दूसरा अध्याय है ना, दूसरा अध्याय, इसमें छह मटकों का जिक्र आया है, इसमें तीन तीन दो दो हाँ, समाता था, दो दो हन जिनमें समाता था उनमें पानी भर दिया, कहीं ये छह नपे और छह मटके वहाँ पर यीशु मसीह के सामने छह मटके थे जिनमें साधारण पानी भरा गया था, और असाधारण परमेश्वर का पुत्र वहाँ पर खड़ा था जिसके सामने पानी बदल गया। ये तो परमेश्वर की है ना महान कृपा है, पानी डालने से बदल गया। पानी कैसे बदल गया कि क्योंकि पानी को बनाने वाला परमेश्वर उसके सामने खड़ा है, यीशु मसीह खड़ा, उसका पुत्र खड़ा है, उसके सामने पानी के अंदर बदलाव आ गया, बदलाव आ गया, जो जो उस घर की जरूरत थी वो पूरी हो गई, शादी की जरूरत थी, मेहमानों की जरूरत थी वो पूरी हो गई। यानी एक साधारण पानी है, छह मटकों के सामने कौन खड़ा है? यीशु मसीह खड़ा है, असाधारण परमेश्वर, अलौकिक शक्ति, अलौकिक शक्ति ले रखने वाला परमेश्वर उसके ना सामने खड़ा है। और ये आसानी से लगता कि हो गया, लोगों लोगों को लगता है, लोग जान ही नहीं पाए कि ये कैसे हुआ, कैसे क्योंकि वहां के प्रधान को नहीं मालूम ये कैसे हुआ, क्योंकि पानी ने भी पानी और बदल गया। तो ये इसने कहा, यहाँ पर हम बताते हैं वचन में पढ़ते कि उसने कहा अपनी सास के
पास छूछे हाथ नाचा। जबकि एक बार ग्लोरिया जब वो मुआब से रूत और नुआमी वापस लौट कर आए थे, जब उसे नुआमी कह रहे थे नुआमी आई है, धूम मच गई थी बैतलहम के अंदर, तब उसने कहा मुझे नुआमी मत कहो, मुझे मारा, मुझे कहा क्या कहो, मारा कहो प्रियो, उसने कहा मारा कहो। ग्लोरिया एक और उसने बात कही, क्यों मारा कहो, क्योंकि मैं आधी पूरी भरी पूरी गई थी, ऐसा लिखा है, वचन बताता है कि मैं भरी पूरी गई थी, और आप क्या कैसे आई हूँ, छुच्छे आत्मा, और आज बौद्ध ने कहा तो अपनी सास के पास छुच्छे आत्मा जा। ये एक बड़ी बात है प्रियो कि बौद्ध के अंदर भी हम यीशु मसीह को देखते हैं कि उसने उसकी सास का आदर किया, उसने नहीं कहा कि तेरी सास को पता है कि तू यहाँ आई है, उसने ये सवाल नहीं किया, और ये जानता है कि रूत जो यहाँ आई है एक टूमी के तौर पर आई है, और उसकी सास ने स्पेशलिस्ट को भेजा है कि ये हमारी भूमि छुड़ा सकता है। अब सास के पास इस बेटी का लौटना, रूत का लौटना खाली हाथ नहीं है, छुचे हाथ नहीं है, खुद आशीष के साथ है, मतलब पूरी रात खलियान में बिताना बिना पाप के, एक पवित्रता का रिश्ता रखना। अब आप सोचे अगर आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, अगर आपको ये समय मिले बोर की प्रार्थना करने का, तो आप अगर पवित्रता के साथ उस भवन में जाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं वो सच्चा जीवित पवित्र परमेश्वर आपको अपने पुत्र के साथ रखते हुए एक पवित्रता के रिश्ते में आपको वो आशीष देगा जो रूत को और बोझ को मिली है। और आगे वंश बढ़ता है मेरे प्रियो, तो सास के पास खाली हाथ नहीं लौटी है, रूत के हाथ में कुछ था, छह नप में और छह मटके जो खाली थे, जो दाख रस के खाली मटके थे, उनमें पानी भरा गया था। यीशु मसीह ने कहा पानी भर दो, और वहां पर यीशु खड़ा हो गया और कहा बोल के प्रधान को दे दो। बोझ के प्रधान ने उसे चखा तो मैं बन चुकी थी, दाख रस बन चुका था, और वो अचंभित थे। यीशु को शादी में निमंत्रण मिला था, क्या आप अपने घर में, अपनी पार्टी में, अपने बच्चे के बर्थडे में उसे निमंत्रण देते हैं? नहीं। आपके बर्थडे, आपके सालगिरह, आपके ऐसे बहुत सी बातें होटलों में दुनियादारी के संसारी लोगों के साथ मनाए जाते हैं, केक काटने के बजाय केक मुंह पे मारे जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचा कि ये केक की कीमत है और इस दिन की कीमत है कि आज के दिन परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, और आज के दिन परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया है, अगर उसका बर्थडे है, अगर आपकी साल गिरा है, तो आज का दिन परमेश्वर का दिन है जिसने हमें एक किया है। मेरे प्रियो, मैं और ग्लोरिया, मेरे साथ हम खड़े हैं, हम पति पत्नी हैं, और हमारी लव स्टोरी नहीं है, एक परमेश्वर का अनुग्रह है कि अगर हम गवाही देंगे तो आप सुनेंगे, हम कोई लव मैरिज करके नहीं आए, हमें परमेश्वर ने जोड़ा, और कैसे जोड़ा ये आने वाले समय में आपको जरूर बताएंगे जब हम एक वीडियो तैयार करेंगे। तो प्रियो, आप जवान बेटा बेटी से फिर से वही मेरा रहेगा कि यीशु मसीह को अपने सामने रखें और आप अपने आप को यीशु के सामने रखें। आप साधारण होंगे लेकिन परमेश्वर आपको असाधारण बना देगा, आपको अलौकिक सामर्थ से भर देगा जब आप यीशु के सामने खड़े होंगे। इसलिए बोअज ने रूत का आदर किया, उसकी इज्जत का आदर किया, उसके कपड़ों का आदर किया, उसके इत्र का आदर किया, उसकी रात बिताई गई का आदर किया, और पवित्रता का रिश्ता दिखाया, और उसी तरीके से उसने कहा कि अब तू खाली हाथ नहीं जाएगी, कि तू इस खलियान में आई और खलियान का प्रूफ तेरे हाथ में है, छह नपुए जो के नाप कर से दे दिए गए। और सोलवां पद बताते कि उसकी सास इंतजार कर रही थी, क्या इंतजार कर रही थी, कि रूत आए और बताए कि इस पुरुष ने उसके साथ क्या किया है, और रूत ने उसे बता दिया। और वो ऐसे नहीं कि हाँ बेटी क्या हुआ बताओ, ऐसा नहीं, बड़ी एक उत्सुकता के साथ, बड़ी एक लालसा के साथ पूरी रात उसने इंतजार किया था। हो सकता सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेके हो, प्रार्थना की हो, और उसने कहा हो परमेश्वर आज तेरी बेटी रूत खलियान में है, आज की रात उसके लिए आशीष की रात बना दे, आज की रात उसका अकेलापन दूर कर दे, उसका घर बसा दे, क्योंकि सास नहीं मां बन चुकी थी, और मां का फर्ज है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे, और नुआमी ने ऐसा फर्ज निभाया है, और अभी वो उत्सुक है इस बात को सुनने के लिए कि क्या हुआ बेटी।
और ग्लोरी ने कहा कि एक नई बात मुझे बताई कि हो सकता कि दूसरा एक और छुड़ाने वाला है, रूथ की खुशी थोड़ी कम हुई होगी। फिर मैं समझता हूँ ग्लोरिया की वो परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर की मर्जी को जानती है कि बोझ ही वो काम करेगा, दूसरा व्यक्ति उस काम को नहीं करेगा। चाहे आपके पास पैसा हो, धन दौलत हो, पर आप छुड़ाने का काम नहीं कर पाएंगे पैसे के कारण से। याद रखना, जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो। छुड़ाने वाले ने कहा मैं छुड़ाऊंगा, पर जब बोझ ने कहा नहीं आपको एक काम और भी करना होगा, उसने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं छुड़ा सकता। तो छुड़ाने वाला बोझ बना और बोझ को वो आशीष मिली, बोझ के साथ वो कार्य किया गया जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था। तो प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। मैं रूप ग्लोरिया आप लोगों से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।